क्षेत्र अंतर्गत जमीनी मामले को लेकर परिजनों द्वारा 22 वर्षीय युवक के अपहरण की शंका जताई जा रही है, जहां परिजनों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर बताया कि मेरे जमीन मामले की वजह से मेरे पुत्र का अपहरण कर लिया गया, जिसका आज तक कोई पता नहीं लगा। पुलिस के पास शिकायत करने पर भी पुलिस इसमें कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। सर, हम ओगन से आए हैं, वार्ड क्रमांक 3, पेट्रोल पंप से। पेट्रोल पंप पास कब बच्चा गुम हुआ था? 5 तारीख का सर बच्चा गुम हुआ। 4 तारीख का झगड़ा हुआ आरोपी अंजनी शर्मा से, उमेश शर्मा और रंजन शर्मा, इनसे झगड़ा हुआ। और झगड़ा करने के बाद इन्होंने फ़ोन में मोबाइल में किसी से बात किए, बात करने के बाद बुलाए और 2 व्यक्ति आए बाइक से, इसके बाद वो रिटर्न चले गए। और 5 तारीख का मेरा बच्चा अलोप हो गया, आज तक उसकी कोई पता नहीं चल रही। हर जगह ढूंढ रहे सर, कहीं उसकी जानकारी नहीं मिल रही। थाने में भी दिए, थाने में भी कोई कार्रवाई नहीं लिखते, बस गुमशुदगी लिखते हैं, बोलते हैं कि बच्चा गुमशुदगी में हम लिखे लिए हैं, ढूंढ रहे हैं, मिल जाएगा तो बताएंगे। कब ये क्या कारण विवाद का था कि सर? जमीन का लेकर सर विवाद था, जमीन का झगड़ा हो रहा था। पुलिस को सूचना दी है? पुलिस को सूचना दिए हैं सर, वो आवेदन भी दिए हैं, मौखिक भी बताए। आज गुमशुदगी 5 तारीख को दिए थे, 1 महीना हो गया। घर से कुछ बता कर निकला था? कुछ भी नहीं सर, घर से कुछ भी बता के नहीं निकला था। वो घर के सामने खेत है, वहीं पर टहल रहा था। रिश्तेदारी में आप लोगों ने पता? हाँ, रिश्तेदारी में पता किए, बाहर भी पता किए, हर जगह पता किए, कहीं उसकी जानकारी हमको नहीं मिल रही। 1 महीने के अंतराल में पुलिस द्वारा क्या बोला जा रहा है? पुलिस द्वारा बोला जा रहा है कि हम उसको ढूंढ रहे हैं, जब मिल जाएगा तो हम बताएंगे। अगर ज़्यादा तुमको परेशानी होगी तो तुम खुद को, हम अगर बच्चा मिलेगा तो आपको अरेस्ट करेंगे, आप खुद अरेस्ट हो जाएंगे। आप ये बताइए कि ये जमीन का विवाद था आपका, तो किस तरह का विवाद था, क्या स्टे लगा हुआ था? हाँ, जमीन में स्टे लगा था सर, पर स्टे को उन्होंने मान नहीं किए। पुलिस खड़ा करके TI साहब खड़े थे, और खड़े होके उन्होंने अपना काम करवाए, जिसकी वीडियो मैं बनाई रखी हूँ। कौन TI साहब है? विनोद सिंह है। कहाँ के हैं? अब वो कहाँ के? मऊगंज के हैं जी। तो किस प्रकार से वहाँ पे वो खड़े होके वो एक पुलिस को ले आए, और साथ में खड़े होके उन्होंने काम करवाए और काम चालू करवा लिए। न्यायालय का कहते हैं कोई मान नहीं करेंगे, कोई स्टे नहीं, आप जाइए तहसील जाइए, जहाँ जानो तहाँ जाइए। न्यायालय का स्टे आपके पास? हाँ, न्यायालय का स्टे है सर, और स्टे का कागज दिया गया, और TI साहब के मोबाइल में व्हाट्सएप भी किया गया, अब मोबाइल से उनको SP साहब को भी दिया गया, SDOP साहब को भी दिया गया। वो आवेदन भी ले गए तो सर, ये आवेदन थाने में नहीं लिया गया, आवेदन से हटा दिया गया। तो मैं SDOP साहब से बताई कि सर मेरा बच्चा गुमा है, और जिस झगड़ा जमीन लेकर झगड़ा किए, विवाद किए, उन्होंने किसी बुलवाए चिन्हवाए, हमें शंका है कि बच्चे का हमारे अपहरण किए हैं सर, ये आवेदन दे रहे तो नहीं ले रहे हैं। तो SDOP साहब जब फ़ोन किए हैं तब उन्होंने आवेदन लिए हैं। इस तरह से सर आज तक का हमारे बच्चे को जीत शुक्ला। क्या करते थे? पैथोलॉजी करता था, अब ट्रेनिंग कर रहा था बीमल्टी का, 1 साल का कोर्स, 22 साल। क्या नाम है? सुमन शुक्ला। माँ है? माँ है। क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और देखते रहे HBN News।